आज के सॉन्ग रेशियो इन प्रोपोर्शन में इस अनुपात तथा समानुपात ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। रेशियो इन प्रोपोर्शन का ये पार्ट टू है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट वन पढ़ा चुका हूँ, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के पार्ट वन को पढ़ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट वन को देखने के बाद आप इस क्लास को देखिएगा। अगर आप पार्ट वन को देखने के बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो क्लास है रेलवे के लिए है। अगर आप रेलवे में ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेलवे RPF हो गया, या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अदर एग्जाम में जैसे आप UP पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको टाइप टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। चलिए टाइप थर्ड देखा जाए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो टाइप है वो मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट और टाइप करके आपको मैंने पार्ट वन में बताया था। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप थर्ड में देखिए आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख कर भी आंसर बता सकते हैं, मैं आपको ऐसे ट्रिक बता सकता हूँ। क्लियर है ना? लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि सबसे पहले बेसिक से बता दूँ, फिर इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न में ये इस तरह से दिया गया है और आपसे पूछा कि A:B:C का मान पूछा गया। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं, फिर आप इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे वो तरीका भी बताऊंगा। तो यहां पर देखिए ए को यहीं पर रहने दी जाए और जो बी है इसको इधर ला दिया। ए और बी एक साइड करेंगे और जो ये अंक वाले हैं इनको एक साइड करेंगे। तो ए को यहीं पर रहने दे रहे हैं और इधर लाएंगे तो ए बटे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बटे कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए बटे बी है, ए बटे बी को आप क्या लिख सकते हैं, A:B भी आप लिख सकते हैं। ए बटे बी को आप क्या लिख सकते हैं, A:B भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ। तो आप देखिए यहाँ से ये पाँच है, चार को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 को आप 5:4 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब इसको सेम ऐसे ही सेम इसको भी लिखेंगे। तो जब ऐसे ही सेम लिखेंगे तो इन दोनों का देखेंगे तो C को इधर लाएंगे तो B/ कितना हो गया, C। तो B:C लिख सकते हैं आप। ये इधर जाएगा तो 8/5, 8/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 8:5 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ। अब ये जो टाइप आपको दिखाना है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ। फिलहाल देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो गुणा करके या दूसरा तरीका ये, आप देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहला तरीका सीखना गुणा करके तो पार्ट वन को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बी का मान यहाँ पे है, बी का मान यहाँ पे, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे बी का मान कितना, 8 है। ऐसा कैसे, बी का मान तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर ये 8 है और ये कितने है, 4 है, तो बी का मान दोनों जगह मुझे क्या करना है, सेम करना है। तो इसको 8 बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। तो इस पूरे में क्या कर दिया जाए, 2 का मल्टीपल कर दिया जाए। जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, 8। बी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। हमसे प्रश्न पूछा कि A:B:C का मान पूछा है, यही तो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए का मान पता चलेगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये 2×4 = 8। देखिए यहाँ पे भी B का मान 8 ही है और C का मान कितना दिया गया, 5 दिया। आप बता सकते हैं कि A:B:C का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे अगर आप एग्जाम में हैं। देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आपको करना है कि इसका मान बताना है ना, तो ए के स्थान यानी यहाँ पे जब लिखेंगे या ए के नीचे लिखेंगे तो ए वाले को क्या करिए, आप छोड़ दीजिए या इसको ढक लीजिए, बाकी जो बचे हैं इनका मल्टीपल करिए, अंक वाला आपको मल्टीपल करना है। ए वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हैं इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8×5=40। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं A:B:C बराबर ये 40 हो गया। अब B के स्थान पे लिखना है ना, तो B वालों को क्या करिए, अब छोड़ दीजिए,
बाकी जो दो बचे हैं इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 होगा। कितना हो जाएगा, ये 32। अब सी के स्थान पे लिखना है ना, तो सी वाले को छोड़ दीजिए और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब ये चेक करिए, क्या ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या? आप कहेंगे हाँ कट रहे हैं। कितने से? 4 से। तो काट कर इनको छोटा कर दीजिए, 4 × 5 = 20। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहे देखिए, जो मैं आपको ये तरीका बताया आप ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे करिए, दोनों ही अपने आप में अच्छा तरीका है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया, NTPC CBT 2 का है या Level 2 में ये प्रश्न पूछा गया। क्लियर है? तो चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अगला टाइप देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ऊपर जो मैं आपको बताया सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, और ये प्रश्न देखेंगे तो SSC CHSL में पूछा गया 2021 में। ऊपर वाला NTPC में पूछा गया था रेलवे, और ये CHSL में पूछा गया। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमसे A·B·C का मान पूछा है ना, तो A के स्थान पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 14 × कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब B के स्थान पे लिखना है ना, तो B वाला छोड़ करके बाकी इन दोनों का मल्टीपल करके आपको लिखना है, तो 7 × कितना हो गया, 14। C के स्थान पे लिखना है तो इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों का मल्टीपल करके आपको लिखना है, तो 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 4 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 14 इसमें भी, 14 इसमें भी, तो ये कट जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये भी 14 मिलेगा। तो 14 से 14 कट गया, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखा 4 × 2 = 2 करके। तो यहाँ से बचा कितना, 4 बच गया, और ये 7 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया। तो आप बता सकते हैं कि A·B·C का मान कितना हो जाएगा, A·B·C का मान कितना का, 4·7·2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न देखेंगे तो CGL में पूछा गया है 2020 में। सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन है कि वैसे ही है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको A·B·C का मान आपको बताना है, रेशियो सी का। तो डायरेक्ट आप मल्टीपल करिए, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। बी के स्थान पर लिखना है तो बी को छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों का मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 15। सी के स्थान पे लिखना है तो सी वाले को छोड़ करके इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या? तो आप बताएंगे कि किसी एक संख्या से ये सब नहीं कटेंगे। अब इससे छोटा नहीं होगा तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसी तरह से छोड़ दीजिए। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया A·B·C का मान किसके इक्वल होगा। अब इस बार क्वेश्चन में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज है, पीछे वाले की तुलना में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे तो ये इसका है, और ये वाला जो है बी वाले यानी इसका ही है, और इसका देखेंगे तो ये वाला है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, A·B·C का रेशो निकालते हैं, A·B·C का रेशो हम लोग निकालते हैं। तो यहां से जब A का मान निकालेंगे तो ये जो 9 है, अगर मैं इन दोनों को देखूं, इसको देखूं और इसको देखूं, तो यहां से जब करेंगे ये 9 A बराबर कितना कर देंगे, 2। तो ये 9 आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आप A लिख सकते हैं, A के लिए क्या लिखेंगे आप, A·B·C। इस तरह से आप मान निकालेंगे तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2/ कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, हुआ इतना। अब यहां से देखेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4/ कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 7/ कितना हो जाएगा, ये 7/10 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रेशियो की क्या खासियत होती है, ये अपने आप में ये बटा फॉर्म नहीं रखता है, यानी जो बटा फॉर्म है इसको मुझे क्या करना है, हटाना। इसको हटाने के लिए क्या करेगा, चाहे तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, इन तीनों का आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या एक तरीका और है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको एलसीएम निकाल करके बता रहा हूं।
अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम जो है कि 90 आएगा, कितना आ जाएगा ये 90 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, 90 का क्या करिए आप, इसमें मल्टीपल कर दीजिए। अब ये जो बटे वाला फॉर्म है अब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मुझे बटे वाला फॉर्म हटाना है। रेशियो की खासियत क्या होती है, ये अपने आप पे बटा फॉर्म नहीं रखता, तो बटा फॉर्म हटाने के लिए इनका एलसीएम लेकर के अब यहाँ से जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये जो है 9 से ये कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, या यहीं पे काट सकते हैं 10 बार में कटेगा। 10 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब 90 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये तो कट जाएगा कितनी बार में, 10, 9 से 90 कटेगा 10 बार में, 10 का फिर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 20 मिलेगा। तो ये स्टेप मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप यहीं पे काटिए, 10 बार में कटा, 10 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। इतना क्लियर है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 × 96, 6 बार भाग गई, 6 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे, 9 बार कटा, 9 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9 × 7 कितना हो गया, 63 हो गया। क्या ये किसी एक संख्या से सब कटेंगे क्या, तो आप बताएंगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आप चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि एलसीएम नहीं लेना चाहते, जैसे इन तीनों का एलसीएम आप नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये कितना है, ये 2/9, मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूँ, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 7/10। अब देखिए मुझे इसके स्थान पर लिखना है ना, इसके स्थान पर लिखना है, तो ये वाला क्या कर दिया, आप नीचे वाला छोड़ करके इन दोनों का मल्टीपल करके इसमें लिखेंगे इस तरह से, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 आपको मिलेगा। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, इसको छोड़ करके इन दोनों का मल्टीपल करके इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 × 36 360 मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इसको लिखना है तो इसको छोड़ करके बाकी इनका मल्टीपल करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। तो ये और इस ये तरीका मैं आपको रिजेक्ट करा रहा हूँ, बेहतर है कि आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम बने, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप 4 में देखा जाए। टाइप 4 में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप बता सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, बिना पेन छुए भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, फिर आप इसे कैसे देख कर आंसर बताएंगे वो तरीका मैं आपको बता दूँ। वैसे तो मुझे पता है कि ये ए का मान अगर इनका मान पूछा है ना, तो इनका मान ये जो नीचे वाला यही आएगा, ऐसे आप देखकर बता सकते हैं कितना आएगा, ये इसका आंसर आ गया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको समझा दूँ, फिर आप इसे डायरेक्ट देखकर बताएंगे। तो यहाँ से देखिए मुझे करना है कि ए बी वाला टर्म एक साइड करना, बी को मैं इधर ला दूँ और ए को इसको इधर ला दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए बटे कितना हो गया, बी। बी को मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ए बटे बी, और 4 इधर चला गया, ए बटे बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए रेशो बी आप लिख सकते हैं। ये डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपको कैसे देखकर आंसर बताएंगे वो तरीके आपको बता दिए। ए का मान पूछेगा तो ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा, ये देखकर बताने वाला तरीका है, देखकर बता सकते कि इसका आंसर कितना आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, यही इनके बीच में रेशो लगा देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, ये इधर जाएगा तो 4/5, 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। यहां से करेंगे तो सी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बी रेशियो सी हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, अगर अंत बी से है तो अगला वाला प्रारंभ बी से ही होना चाहिए, क्लियर है ना। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना, क्या बी का मान दोनों जगह सेम है कि अलग अलग है, तो आप देखेंगे बी का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अगर b का मान दोनों जगह सेम है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि a रेशो b रेशो c का मान कितना हो जाएगा,
ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ये सेम है बी का मान दोनों जगह, तब ये कंडीशन आएगी। अगर ये सेम नहीं रहता तो इसके लिए मैंने आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ, सेम रहेगी तो, अगर सेम नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, पार्ट वन में आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। देखिए यही आंसर आया कि नहीं आया, यही आंसर हमारा आया। तो आज के बाद आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे इसका मान पूछे तो आप क्या बताएंगे, ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा, इनके बीच में रेशो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहद ही आसान प्रश्न है कि नहीं। अब ये बेहद ही आसान आपको लग रहा होगा, तो चलिए इस टाइप में दो तीन प्रश्न और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए अब ये क्वेश्चन में ये इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर मैं आपको पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दूं और इस क्वेश्चन में, तो फर्क क्या है, आप यहाँ पे देखिए, ये पीछे वाला है, ये बटे में दिया गया था, आप यहाँ पे 1-1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ये 1 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं, 1/6, 1/5, 1/4, यहाँ पे मल्टीपल जो 1-1 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सभी ये 1-1 नहीं, ये कितना, ये 3 है, ये क्या आ गया, 3 आ गया। मुझे करना है कि यहाँ से ये 3 जो है इसको हटाना, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, मुझे यहाँ पे 1 बनाना, यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इन सभी का आपको एलसीएम आपको लेना होगा। अगर आप इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इनके एलसीएम से, इनके एलसीएम से क्या करेंगे आप, इस पूरे में डिवाइड करना है, इनके एलसीएम से जो भी एलसीएम आएगा इनके एलसीएम से पूरे में डिवाइड करना है। तो हम लोग पूरे में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1/3 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 से डिवाइड करना, तो 1/3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसमें 3 से, जब इसमें 3 से, यहां से देखिए इसमें जब 3 का मल्टीपल करेंगे, सॉरी ये 1/3 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना, जब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1a/ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहां पर करेंगे तब यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर करेंगे आप 1/3 करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, 2/4 बचेगा। इसमें करेंगे तो यानी कि इसमें लाके आप मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/4, इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो 36 का कितना हो गया, 18। इतना क्लियर है। देखिए मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको इन सभी का एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकाल करके आपको करना है कि ये मुझे 3 गायब करना है, 3 गायब करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें अगर 3 से इसमें डिवाइड करूंगा, इसमें क्या कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गायब हो जाए, तो इसमें भी डिवाइड करना होगा, इसमें भी 3 का डिवाइड करना होगा, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/3 1/3 इस तरह से भी लिख दूं, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहां से देखिए अब ये 3 क्या हो गया, गायब हो गया, ये मेरा 3 क्या हो गया, यहां से गायब हो गया, क्लियर, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो कुछ पहले की तरह बन गया, अगर ये क्वेश्चन पहले की तरह बन गया तो अब यहां से बता सकते हैं एबीसी का मान कितना हो जाएगा, एबीसी का मान आप बता सकते हैं 9:4 कितना हो जाएगा, 9:4:8, यानी आप देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए यहाँ पे जो मैं डिवाइड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इन सभी से क्या कर दिया, जब ये 3 हटाना है, 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया, और ये कितना, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसमें करेंगे तो 36 का 18, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया, आप डायरेक्ट बता सकते हैं एबीसी का मान कितना आएगा, क्लियर हुआ ये। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये इस तरह से दिया गया और आपसे पूछा कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान पूछे। इस बार देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे मुझे करना है कि ये 1-1 बनाना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1-1 बनाना। तो 1-1 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इन सभी का आप एलसीएम निकालें, जब आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, ये 12 आएगा।
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एलसीएम और एससीएफ चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से करना है कि 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, या ये कह सकते हैं कि इस पूरे में 1/1 कितना कर दिया जाए, 1/ कितने से गुणा कर दिया जाए, 1/12 से गुणा कर दिया जाए, 1/12 से गुणा कर दिया जाए, या आप डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/12 से आप डिवाइड कर दें। मुझे ये ऊपर क्या करना है, 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, 1/12 का मल्टीपल करें, ऊपर वाला मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका लाख इसमें करेंगे तो ये कटेगा 2 × 6 = 12, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, तो आप लिख सकते हैं कि P/ कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा 6 बार में, 6 का इसमें गुणा करें, 6 × 3 कितना हो गया 18 बराबर। जब इसका इसमें यानी इसका इसमें लाके गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो गया, 3 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो Q/ कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, 4 का लाके इसमें क्या करना है आपको, मल्टीपल करना है, तो R/ कितना हो जाएगा, R/ कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब देखेंगे तो कुछ ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मान पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 18:15 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना, बेहद ही आसान है कि नहीं। तो यही इसका क्या गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए MTS में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि इनका मान पूछा गया, क्लियर है। अब यहाँ से आप ABC का मान बता सकते हैं कि A का मान कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला होगा, B का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, C का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी देख कर पता कर सकते कि ABC का मान कितना होगा। अब देखिए आपको ABC का मान पता चल गया तो मान करना है कि इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अगर आप जहां पे ए है इसके स्थान पे कितना रखना होगा आपको, 2 रखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ये पूरा कितना देगा, ये 8 देगा। इसमें इसके स्थान पे कितना रखना है, 3 रखना है, तो ये पूरा कितना देगा, ये 9 देगा। और सी के स्थान पे कितना रखना है आपको, 7 रखना है। तो जब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, ये वाला क्या करना आपको, घटाना, जब इनको जोड़े और घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 10 मिलेगा, क्लियर। ABC का मान को यहाँ पे करना है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12। अब ये देखिए किसी एक संख्या से कट रहे तो इनको काट कर आप छोटा कर लीजिए, 5 ratio कितना हो जाएगा, 6। आप बता सकते हैं कि इनका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 ratio 6, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि A/B/C का मान आपसे पूछा गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो 2018 में पूछा गया ग्रुप डी में। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे और प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इस तरह हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 × 14। तो यहां से देखिए किस ऑप्शन में अगर ये जो भी मान दिया गया, ये किसका मान दिया गया, A/B/C का मान दिया गया, तो आपको ये चेक करना है कौन से ऑप्शन से A और B के बीच में ये रेशो मिलेगा। अब हम लोग प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि और जल्दी सॉल्व कर सके। मेरी बात को आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं ये चाह रहा हूं कि प्रश्न को सॉल्व करने में और भी कम समय लगे, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन का यूज करें, बिना सॉल्व करें हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें ऑप्शन से। देखिए किस ऑप्शन में आपको ए और बी के बीच का रेशो 14 मिल रहा है, तो यहां से देखिए 14 ए और बी के बीच में 9 और 14 का रेशो मिल रहा है क्या, नहीं मिला, ये तो उल्टा मिल रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहां से मिलेगा क्या, क्या इनको काटने के बाद ये रेशो मिलेगा क्या ए और बी के बीच में, नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो। ये ऑप्शन देखिए मिल रहा है तो इसकी संभावना, आगे चेक करते हैं, आगे ये कितने है, 10 और 9 है, क्या इन दोनों के बीच में 10 और 9 का रेशियो हो क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को बिना सॉल्व करे भी, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसे आप कर लेंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। एक प्रश्न और बच गया है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला टाइप देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न में यह इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना, सी का मान आपसे पूछा गया। तो आप बता सकते हैं ए और बी और सी का मान, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए का मान ये होगा, बी का मान कितना होगा ये होगा, और सी का मान कितना होगा ये होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए आपको ए बी सी का मान पता चल गया, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे, आप रख करके जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, 10। अब नीचे क्या करेंगे, सी, सी का मान कितना है, 5। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है ना, बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए अब टाइप 5 में देखा जाए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ए रेशियो बी का मान दिया गया, तो आपसे प्रश्न पूछा कि इनका मान पूछा, जहां पे ए है उसके स्थान पे 3 रखेंगे और जहां बी है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, आप 4 रखेंगे। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो गया। बी के स्थान पे 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। और यहां पे करेंगे तो ये इसके स्थान पे कितना रखना है आपको, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो गया। और यहां पे कितना रखना है आपको, 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, ये 20। इनको जोड़ेंगे तो 16 × 9 कितना हो गया, 25, ये 25 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 35 होगा। अब ये देखिए किसी एक संख्या से कट रहे तो काट कर छोटा कर सकते हैं, 5 × 25, 5 × 35। आप बता सकते हैं कि इनका जो मान है वो किसके बराबर होगा, 5:7 के बराबर होगा। ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में 2 प्रश्न और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये इस तरह से दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका मान, आपसे पूछा गया यहाँ पे ए रेशियो बी प्लस सी का मान दिया गया इतना है, बी रेशियो सी प्लस ए का मान इतना दिया गया, तो आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए और इसमें देखिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बताएंगे ए प्लस बी प्लस यहाँ पे भी मिल रहा है, ए बी सी यहाँ पे भी मिल रहा है, ए बी सी यहाँ पे भी, ए बी सी यहाँ पे भी। अगर मैं पहले वाले की बात कर लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं सभी को जोड़ूँ, यहाँ पे जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, सी। अगर मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ ए बी सी को, तो यहाँ से इनको भी तो जोड़ना होगा, इनको भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 होगा। कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। और यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए बी सी का मान 25 मिल रहा है और यहाँ पे ए बी सी का मान कितना, 15 मिला। मुझे करना है कि ए बी सी का मान दोनों जगह सेम करना है, क्योंकि ए बी सी का मान जो होगा वो तो बराबर होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये अलग अलग कैसे है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। जैसे आप एलसीएम निकालें आपको ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 75 के बराबर है। बराबर है कि नहीं, तो इसको 75 बनाने के लिए लोग क्या करें, इसमें एक 3 का मल्टीपल करें। इसको 75 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल करेंगे। तो पहले वाले में 3 का मल्टीपल करेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे हम लोग, 3 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप इसमें जब 3 का मल्टीपल करेंगे और सेकेंड वाले में 5 का मल्टीपल करना है, इसमें कितने का मल्टीपल करना है, 5 का मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करके हम लोग लिखते हैं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ए रेशियो कितना, ये ए रेशियो फिर बी प्लस सी, यही तो है। यहां से करेंगे तो ये 3 × 8 कितना हो गया, 24 हो गया। और इसमें करेंगे तो 17 × 3 कितना हो गया, 51 मिले। ये वाला समझ में आया। अब इसको ऐसे ही करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे बी रेशियो कितना दिया गया, सी प्लस ए बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 मिलेगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 55 आपको मिलेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में, यहां तक क्लियर है। अब देखिए मुझे पता है कि तीनों का मान ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर, ये 75 के बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 75 आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, 75 के बराबर। जबकि मुझे ए का मान पता चल गया है, ए का मान कितना ही है, ए का मान कितना ही है, 24 है। और बी का भी मान मुझे पता चल गया, बी का मान कितना ही है, 20 है। अगर ए और बी का मान मुझे पता चल गया 24 और 20,
तो सी का मान ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे 75 में से, तो हमको सी का मान पता चलेगा। पता चले कि नहीं पता चलेगा, इस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, लेकिन आप इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो कितना मिलेगा, ये 44। 75 में से क्या करिए, 44 घटाइए। 75 में से 44 घटाएंगे तो सी का मान आपको पता चल जाएगा, ये कितना हो गया, ये 31, 31 आ गया। सी का मान कितना आ गया, 31 आ गया। अब प्रश्न पूछा क्या हमसे, इसका मान पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सी के स्थान पे कितना रखना है आपको, 31 रखना है, रखना कि नहीं रखना। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ए प्लस बी लिखना है, तो ए प्लस बी यानी ए का मान 24, बी का मान कितना है 20, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, देखिए इस टाइप का एक प्रश्न मैंने और लिया है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सेम देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, सेम इसकी तरह ही लगेगा, कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, मुझे आप लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे पिन कर, कमेंट सेक्शन में क्या करना है आपको, रिप्लाई करना है।